प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में टीकाकरण को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राज्यों को टीके का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार मुफ्त में देगी और साथ ही 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में टीका मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रायल चल रहे हैं। हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी दो वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम ₹150 ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। भारत में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन पहली लहर के मुकाबले केसेस अभी भी काफी ज्यादा हैं। दूसरी लहर में ज्यादा लोग संक्रमित हुए, मौतें भी ज्यादा हुई, लेकिन इस बार एक और खास बात दिखी और वो है बच्चों में बढ़ता खतरा। कर्नाटक में मार्च से मई के बीच कम से कम 1,40,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। बच्चों के संक्रमित होने के मामले दूसरे राज्यों से भी मिले। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें माता पिता दोनों कोरोना से पीड़ित हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे परिवारों के बच्चों को बुनियादी देखभाल भी नहीं मिल पाई। देखिए बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता की रिपोर्ट। एक पिता के लिए दिल तोड़ देने वाला पल। अनिल अपनी 10 साल की बेटी को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के कोविड वार्ड में भर्ती है। कोरोना की वजह से जब उसका डायबिटीज बिगड़ने लगा तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर अनिल को बेटी से मिलने की इजाज़त नहीं है। ये हमारे लिए काफी मुश्किल था जब उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते। हाँ, ये मेरे और खासकर इसकी माँ के लिए बच्चे के बिना रहना बहुत कठिन था। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं सबसे पहले उसे गले लगाऊंगा। दूसरे कोविड वार्ड में एक नर्स 4 साल के विहान को खाना खिला रही है। इसके माता पिता को कोरोना है और वो दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे जैसे ज्यादा परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों की देखभाल का काम भी स्वास्थ्य कर्मियों को ही करना पड़ रहा है। कई ऐसे केस भी हैं जहां अभिभावक बच्चों के साथ नहीं रह सकते। ऐसे में हमें उनके साथ रहना पड़ता है, उनका भरोसा जीतना पड़ता है कि हम उनके लिए यहां हैं। ये आसान नहीं होता। पिछले 3 महीनों में 1,40,000 से ज्यादा बच्चे कोविड से संक्रमित हुए हैं केवल कर्नाटक में, और यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर बच्चों में हल्के लक्षण पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पर असली चुनौती वहाँ आती है जब उनके माता पिता या देखभाल करने वाले उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है, और ऐसे में उनके खुद के करीबी रिश्तेदार या फिर मोहल्ले वाले भी बच्चों की देखभाल करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कोविड उनको ना हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठता है कि इन बच्चों का ख्याल रखेगा कौन। ऐसे हालात को देखते हुए वॉलंटियर्स के ग्रुप मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बेंगलुरु का ये कोविड सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए है। पेरेंट्स के पास ऐसा विकल्प पहले मौजूद नहीं था। यहाँ बच्चों के डॉक्टर और नर्स न केवल उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं बल्कि कोविड से जुड़ी चिंताओं को भी तमाम एक्टिविटीज के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर अस्पताल की तरह नजर नहीं आता। बच्चे यहाँ खुश हैं क्योंकि वो यहाँ फिल्में देखते हैं और खेलते हैं। बच्चों के लिए घर पर होने जैसा है। यहाँ रह रहे 32 बच्चे इस जगह से भावनात्मक तौर पर जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये एक छोटी सी शुरुआत है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल देश के अस्पतालों में बाल चिकित्सा सुविधाओं की काफी कमी है। फिलहाल बच्चों के करीब 70 मान्यता प्राप्त ICUs हैं। अगर हमारे पास सभी शहरों में ऐसी ICU नहीं हो सकती तो हमें डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल करने के लिए ट्रेन करना होगा, और यही देश में ज्यादा फंडिंग की जरूरत है ताकि मौजूदा पीढ़ी के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। देवीना गुप्ता, BBC न्यूज के लिए। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और जानकार तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या बढ़कर 10% तक पहुंच गई है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14% होगा।
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि करीब 25% बच्चों में वायरस की एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो करीब 25% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। हालांकि एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए कैसी होगी। बच्चों से जुड़ी इन्हीं चिंताओं पर बीबीसी संवाददाता पायल भुयान ने मेदांता अस्पताल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन से बात की। पहली वेव की तुलना में दूसरी वेव में ज्यादा बच्चे बीमार नजर आए, दोनों वेव में अंतर क्या है और तीसरी वेव को लेकर आशंकाएं क्या है? तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे सेकेंड वीक में, तो ऑब्वियसली बच्चों को भी उतना ही होता है जितना बड़ों को होता है, तो इक्वल प्रोपोर्शन बच्चों का बड़ा, नंबर वन। दूसरा, जो ये म्यूटेंट्स इंडिया में आए थे 1617 म्यूटेंट्स, वो अब WHO ने बता दिया और हम सबको मालूम है कि दे वर वेरी ट्रांसमिसिबल एंड प्रोबेबली उनका इफेक्ट चिल्ड्रन पे ज्यादा हुआ था। तो देश में हमने बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन और थोड़ी सी सिवियरिटी हुई या नहीं ये डेफिनेट बोलना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन है, प्रोबेबली लिटिल एक्स्ट्रा सिवियरिटी। तो जो आशंका है IIT से, जो इंडिया के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं और अब्रॉड से हार्वर्ड एक्सेट्रा IIT के स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अक्टूबर नवंबर। उसमें यूजुअली हो जाता है कि जब सेकेंड वेव डिप डाउन होगी जून एंड जुलाई में, थोड़ी सी लोगों की गार्ड नीचे हो जाती है, यू नो दे बिकम मोर कंप्लेसेंट एंड गेट टुगेदर्स ये सब होंगे। तो ये टाइम अगर हमें बचाना है तो हमें ये तीनों चीजों का काम करना होगा कि हमें वैक्सीन बहुत स्पीड से देनी है जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट लगी हुई है। सेकेंड, हमें सुपर स्प्रेडर इवेंट से अपने आप को बचाना है बिकॉज सुपर स्प्रेडर इवेंट जिसमें गेट टुगेदर है उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। थर्ड, अगर खुदा ना खास्ता कुछ म्यूटेंट पता चला तो तुरंत ही हमें उसे म्यूटेंट को आइडेंटिफाई करके लोकलाइज करना चाहिए। सिवियरिटी जो है वो हर एक एज ग्रुप में है, लेकिन हम जनरली लेस देन 1 ईयर को ज्यादा सिवियर बताते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी बच्चे किसी भी एज ग्रुप में कोई क्रॉनिक डिजीज से संबंधित हो, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, लंग डिजीज हो गई, लिवर किडनी डिजीजेस, उनमें ये संभावना ज्यादा हमें अलर्ट होना रहता, पोस्ट ट्रांसप्लांट, स्टीरॉइड्स, HIV एक्सेट्रा। वैक्सीन आने में अभी वक्त है, ऐसे में माता पिता जो हैं घर में, क्योंकि बच्चे घर में अभी हैं, तो क्या सावधानियां ले सकते हैं और सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं? डाइट में आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इसके साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। प्रोटीन जैसे दालें, सोयाबीन, बेसन, पनीर, अंडे, चिकन फिश, जो नॉन वेज खा सकते हैं, ये सारे प्रोटीन आइटम से इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का स्लीप टाइम एडिक्वेट हो, एक्सरसाइज मस्ट होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम हो और उनकी मेंटल हेल्थ को लेके देखें, बिकॉज मेंटल हेल्थ से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है।